हेलो फ्रेंड्स, असोनी गौतम टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पीट्रोन ट्राइड लाइट HBE का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, जो कि काफ़ी कम प्राइस में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, जो कि बहुत ही बेहतर फीचर के साथ अवेलेबल मिलेगा आपको, जो कि अमेजोन पर आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। इसके फीचर की बात करें तो इसका रिव्यू देख कर आप पता लगा सकते हैं कि कितना बेस्ट है, और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 209 रुपये है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, लेट्स गो। ये रहा हमारा ये फ़ोन, ये रहा बिल्ड डिटेल, जो कि इसका बिल्ड डिटेल है, तो देख सकते हैं इसमें, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था इसे, जो कि 169 का मिला हमें और शॉपिंग चार्ज लगा 40, जो कि 209 रुपये इसमें लगे। तो इसको हम साइड में करते हैं, ये हमारा एड्रेस वगैरह है, तो साइड करते हैं, चलते हैं ईयरफोन की ओर। तो ईयरफोन, इसका ईयरफोन नाम है पीट्रोन ट्राइड लाइट HBE हाई बेस ईयरफोन है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, इसे स्टार्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो ये ईयरफोन देखने को मिलेगा आपको। तो ईयरफोन को निकाल लेते हैं, इसको हम साइड में करते हैं, देख सकते हैं पीट्रोन की कंपनी है की तरफ से। तो साइड में आपको देखने को मिलेगा पीट्रोन की ब्रांडिंग, जो कि 3.5 mm का जैक मिलेगा आपको, और टेंगल फ्री इसका वायर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो कि टेंगल फ्री है। एक्चुअली दूसरे लीड में होता क्या है कि मैंने देखा है दूसरे लीड में, तो उसे कैसे भी रख देते हैं तो वो फंस जाता है, तो इसमें वो बात नहीं है, इसे कैसे भी आप रख सकते हैं लेकिन फंसेगा नहीं, ये आप तुरंत छुड़ा सकते हैं। और आपको साइड मिलेगा ऊपर साइड स्लाइड अप स्लाइड डाउन का ऑप्शन मिलेगा, जो कि वॉल्यूम हाई एंड लो कर सकते हैं, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइड ऑफ करने पर आपका वॉल्यूम हाई होगा, स्लाइड डाउन करने पर आपका वॉल्यूम लो होगा, और ऊपर साइड एक माइक दिखेगा, माइक जो आपको दिख रहा होगा, मिनी माइक जो छोटा सा है, और कॉल आंसर वाला ऑप्शन दिया है इसमें, कॉल बटन। तो ऊपर की ओर जाते हुए इसमें जो पीट्रोन का कंपनी है, ये मुझे अच्छा बहुत बेकार लगा कि जो साइड में दिया है बहुत लॉन्ग दिया है जो माइक, अगर आपको बात करना होगा तो फेस के सामने ईयरफोन करके बात करना होगा। तो ऊपर देखते हैं, यू कैन नॉट बिलीव दैट ईयरफोन इस बैक साइड इज़ द मेटल, देख सकते हैं ये जो बैक साइड का जो बना है ये मेटल का है। और इसमें साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसका 10 mm का ड्राइवर मिलेगा, और जो कि स्टीरियो स्पीकर है। तो इसका साउंड वगैरह की बात करें तो इस साउंड काफ़ी बेस्ट है, इसका बेस बहुत तगड़ा है कि बहुत अच्छा बजता है, कि 209 रुपये में आपको ऐसा ईयरफोन मैंने तो नहीं देखा, बट ऐसा मुझे कम लगता है कि मिलेगा जो हाई बेस है। ज़्यादा इसमें लाउडनेस नहीं है, पर उतना एडजस्ट कर लेंगे आप, अगर इसको उतना यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे यूज किया है 2-3 घंटे मैंने इसे यूज किया, तो जैसे दूसरे ईयरफोन में होता क्या है कि ईयर पेन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, आप लगाए रहिए तो 2-3 घंटा आराम से सुन सकते हैं, ईयर पेन की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड बेस्ट है, ज़्यादा लाउडनेस नहीं है इसमें, लेकिन हाँ इसमें हाई बेस है, पबजी वगैरह के लिए ये बेस्ट है बहुत। तो चलिए इसका स्पीकर एंड वॉइस टेस्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये इसका स्पीकर टेस्ट था, और इसका वॉइस रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसका भी टेस्ट करेंगे, तो चलिए वॉइस रिकॉर्ड टेस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सोनी गौतम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।